कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। सो आपको स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है राखी ब्लॉग्स। और ये मेरे चैनल में आपको जो देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा मेरा घर का रूटीन, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा एक 3 साल का बच्चा है, लड़का, उसका नाम है दक्ष। उसकी मस्तियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो कैसे उदम करता है, कैसे क्या करता है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। और आज जो मैंने शेयर किया है, वो मैंने किया है अपना घर का होम टूर शेयर किया है आपके साथ। और मैंने आपको दिखाया है कि मेरा एक कमरे का छोटा सा घर है, जिसे मैं कैसे छोटे से घर में मैं कैसे करके एडजस्ट करती हूँ सारी चीज़ों को, जैसे मेरा किचन, मेरा बेड, मेरा मंदिर, सब चीज़ों को मैं कैसे करके एडजस्ट करती हूँ, मैंने आपको वो सब अपनी वीडियो में दिखाया। अच्छा, 3 साल का जो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसकी शरारतें आप वीडियो में देखोगे तो आप भी बोलोगे कि मतलब कितना शैतान है। बहुत सारे दिन इसी की मस्ती, इसी कोई रहता है। नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे नहीं गाओ। बहुत ज़्यादा बहुत शैतान है, सारे दिन इसी के ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सारे दिन इसका ऐसे चला जाता है, पूरा दिन इसी को देखने, पूरे दिन उनके साथ मेरी क्या क्या मतलब कि क्या क्या खेल होते हैं, कैसे कैसे करता है, ये सब देखोगे आप वीडियो में। और चलिए मैं आपको पूरा अपना घर का जो मेरा टूर है वो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जो मेरा घर का टूर है वो शुरू होता है। ये है मेरे घर का बाहर का, ये छत है यहाँ से, ये भी जगह खाली है। जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आएंगे तब हम यहाँ पर अपना किचन बनवाएंगे, बड़ा सा किचन बनवाएंगे। और इस साइड में जो है यहाँ हम अपना वॉशरूम वगैरह बनवाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस साइड में। ये देखिए, ये मेरा घर का बाहर का फ्रंट है ये। और यहाँ पर हम अपना वॉशरूम वगैरह बनवाएंगे, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो। और यहाँ पर ये प्रिंसी हमारी सो रही है, इसका रोज ऐसा ही बिस्तर हो जाता है और ये यहाँ पर सोती रहती है बस। और चलिए आपको दिखाते हैं, अब मैं अपना पेड़ पौधे दिखाती हूँ जो मैंने अपने हाथों से लगाए हैं बहुत मेहनत से। क्योंकि यहाँ पर आप देख रही हो, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पर बंदर बहुत आते हैं और बंदरों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता ना, तो वो पेड़ पौधों को तोड़ देते हैं, सारे सामान फैला देते हैं, सारे सामानों को इधर उधर गिरा देंगे। ये देखिए, ये जो है ये टमाटर का पेड़ है इसके अंदर, और ये सब गेंदे के पेड़ है। और अब इस वाले गमले में देखो बहुत सारे फूल आए थे, इसके अंदर पेड़ सब बंदरों ने तोड़ तोड़ के सब बेकार कर दिया। और इसमें पीले फूल देख रहे हो आप, ये है सरसों का पेड़, इसमें अपने आप ही उग गया है। वैसे इसके अंदर कड़ी पत्ते का पेड़ लग रहा है, मगर इसके अंदर अपने आप ही सरसों का पेड़ उग गया है। ये देखिए आप, ये देखो इसके अंदर सरसों आना भी शुरू हो गई है फूलों से। और ये सब गेंदे के फूल हैं छोटे छोटे से, ये है एलोवेरिया, और ये वाला जो पेड़ है ये है मनी प्लांट, और ये है मेरी तुलसी माई जी। और इसके बगल में जो पेड़ लग रहा है वो है अशोक का पेड़। अभी अशोक का पेड़ थोड़ी ठंड है तो इसलिए अभी इसमें पत्ते वत्ते नहीं आ रहे, बट जैसे ही गर्मी आ जाएगी, थोड़ी बारिश वारिश स्टार्ट हो जाएगी, ये है अशोक का पेड़, तो ये इसमें भी कुल्ले उल्ले अपने आप फूटने लग जाएंगे और बहुत ही सारे नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बगल में जो है ये भिंडी का पेड़, और ये यहाँ नीचे से नीचे जाता है, यहाँ नीचे मेरे सास ससुर रहते हैं और एक देवर है वो रहता है। और ये देखिए मेरी माई जी। और सबसे पहले ये हमारा फ्रिज आपको दिखाई देगा, सबसे पहले मैं आपको इधर से दिखाऊंगी, किचन से स्टार्ट करूंगी। ये हमारा फ्रिज है, ये देखिए फ्रिज किचन के बगल में ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर कुकर रख रखा है, और ये हैंड वॉश और फिनाइल वगैरह रख रखा है मैंने ऊपर, क्योंकि मुझे यहीं पे से सब चीज़ डालने में आसानी होती है। बाहर से निकल के आते हैं तो सैनिटाइजर वगैरह चाहिए होता है, वहाँ रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख रखा है। और यहाँ पर देखिए मेरी ये बर्तनों की डलिया है, और नीचे ये मेरा आटे का कनस्तर है, और ये है छोटा सा ड्राम जिसमें हम पानी लेके आते हैं। और ये जो लाल कलर का आप देख रहे हो ड्राम से, इसमें मेरे दाल चावल वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरी छोटी सी किचन है, यहाँ पर मैंने मसाले वसाले के डब्बे रख रखे हैं। ये जिसमें बाल्टी है वो खाने का पानी है, जिस जो ठमेड़े में भरा हुआ है
वो है मेरा पीने का पानी, और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ पर ये अलमारी रखी हुई है। दक्ष का बैग टंगा हुआ है, ये फट गया, इसको सीलना है अभी। और ये देखिए दक्ष की सबसे ऊपर जो टंग रही है वो दक्ष के अस्पताल की फ़ोटो है, और इधर दक्ष के पापा है और दक्ष है, इधर बीच में दक्ष की नानी है और दक्ष का भाई है, उसके बाद जो इधर साइड में है वो है मैं और दक्ष, और ये है एक सीनरी जो चलती है जिससे पानी बहता है और लाइट भी चलती है इसके अंदर, दिवाली वगैरह पे हम लोग जलाते हैं। ये है हमारा छोटा सा फ्रेम फ़ोटो का, और उसके बाद ऊपर आप देखोगे यहाँ माई का कैलेंडर है, कालका माई जी का, और ये मेरा यहाँ पर सजाना है, फूल वूल मैंने ऐसे ही धो के रख दिए हैं। ये मेरा ऊपर का है, ये बाकी बिहारी जी की फ़ोटो है ऊपर, और ये देखिए आप यहाँ पर, ये है एक सीनरी जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। और यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी सुंदर है ये, और यहाँ से मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मेरा टीवी लगा हुआ है बीच में, और ये बेड है लगा हुआ है यहाँ पर, दक्षा भी सो रहा है। और ये देखिए बहुत मेरा प्यारा बहुत सुंदर मेरा मंदिर जिसमें मेरे दोनों कन्नू बैठे हुए हैं, ये देखिए मेरी माई है, मेरा छोटा सा मंदिर है, बहुत मुझे बहुत प्यारा है मेरा मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बेड दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये गमला रख रखा है, इसमें मैंने प्लांट लगा हुआ है, और ये देखिए दक्ष सो रहा है यहाँ पर, देखिए अभी मैं आपको दक्ष को भी दिखाऊँगी, सो रहा है अभी दक्ष, देखिए सोता हुआ इतना अच्छा लगता है ना, ये छताने नहीं करता, इतना अच्छा लगता है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना पाई हूँ, नहीं तो ये मुझे वीडियो भी नहीं बना देता, चिल्लाता रहता दुनिया भर का। ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा लगता है ये मेरा, और यहाँ पर ये मेरा कूड़ेदान रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये साबुन वाबुन रखे हुए, यहाँ पर हम नहाते हैं, मैं नहाती हूँ यहाँ पर, वो तो खैर बाहर नहाते हैं और दक्ष भी बाहर ही नहाता है। ये ऊपर से देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रॉड वॉड, यहाँ पर हम अपने टावल वगैरह डालते हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे में बर्तन वर्तन धोते हैं। ये देखिए मेरा कैलेंडर यहाँ टंगा हुआ है, और ये पेड़ मैंने लगा रखा है, पर ये सूख सक गया है, उसको उठा दे लेंगे। और यहाँ देखिए अब मैं यहाँ से आपको बाहर तक का दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ से ऐसा लगता है, देखिए ये मेरा छोटा सा किचन, और ये फ्रिज रखा हुआ है, और ऐसा ये देखिए ऐसा दिखता है यहाँ से। तो आप देख ही सकते हो कितना छोटा सा किचन मेरा, बट हो जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मेरी रेसिपी की वीडियो देखी होंगी तो आपको दिखता होगा कि मैं मतलब कर देती हूँ, हो जाता है सब। और ये मैं आपको बाहर ले जा रही हूँ, ये देखिए बाहर। सो यहाँ से देखिए मेरा कुछ घर ऐसा दिखता है, ये मेरे पेड़ पौधे, ये मेरी मशीन है वॉशिंग मशीन, ये सब ऐसे दिखते हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पर ये देखिए प्रिंस ही, इसका बस यही है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ये ऐसा ही इसका होता है। और यहाँ से ये देखिए, सो मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया अपना, और आपको दिखाया मैंने कि मेरी सारी चीज़ें जो घर की चीज़ें होती हैं कैसे 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 मैंने एडजस्ट कर रखी हैं, कैसे कैसे रख रखी हैं सारी, एक ही कमरे के अंदर सारा काम होता है, एक ही कमरे के अंदर, और सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर 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 करना फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय। प्रिंसी बोल, प्रिंसी ऐसा।